दोस्तों, प्यारे भाइयों और अपने अपने भाइयों की बहनों, मैं एक बार फिर हालात वही ले आए जहां पहले भी आए थे। पहले शो भी आपकी खिदमत में जब पेश किया था तो आपने बड़ी मोहब्बत अदा फरमाई थी। अच्छा भाई, एक तू ही सच्चा है, ये इतना सच्चा है कि जिस घर में पैदा हुआ झगड़ा हो गया, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सच था जो उनकी समझ में नहीं आया। इसके पैदा होने के 4 दिन तक तो ये पता नहीं चला हुआ क्या, घर में झगड़ा हो गया, लड़ पड़े लोग कि ये है क्या, क्योंकि घर में किसी से इसकी शक्ल नहीं मिल रही थी। फिर मोहल्ले के लोग जहनों में आए, फिर पता चला ये इसका। ये हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। एक पहले मेरी बात सुन ले बेटा। दोस्तों, हम इस शो को जब पेश करेंगे तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि जवाब ना दूँ। मैं जवाब आपको दूंगा तो जब आपको जवाब मिले तो फिर बुरा नहीं मानने की हो रही, क्योंकि ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि जब सवाल जवाब होते हैं तो फिर कोई दूसरा भी जवाब देता है। तो इसका खातिर सिर्फ इतनी सी जहन में इतना जरूर रखना है कि हमारी ऐसी खवातीन या नशीब फरमाए घरेलू जिनकी वजह से कोई ऐसा जुमला ना फेंकेगा कि कोई रिबाउंड में या मैं ऐसा कोई बात ना कहूँ कि इखलाक से गिरी बात हो जाए, मोहब्बत वाली बात है। हमारे जितने भी लोग यहाँ इस शो में हैं, पहले मैंने ये शो आपके सामने पेश किया था इससे पहले, और आपने उसमें बड़ी मोहब्बत प्यार और सब कुछ हुआ था। इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये पहली दफा इंसानों में बैठा है, लेकिन इसका मसला है और ये घर के परेशान है कि घर में ताज़ा तलाक गिर गया ना, इसका दिमाग घुमा हुआ है। यहाँ वैसे भी कोई झगड़ा हो जाए ना तो चीजें आधी आधी हो जाती हैं, इसके बाद तो चीजें आधी थी वो आधी चली गई, तो इसका मसला बड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसे जहरी तवासुल ठीक नहीं है। आज के शो में ये और मैं इन लोगों की वजह से जिंदा हूँ। उमर शरीफ अगर बना है ना तो सिर्फ इन लोगों की वजह से बना है, ये जो बोलते हैं, अगर ये ना बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी खुराक नहीं है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि शो को आगे आगे चलाते रहें, क्योंकि हम आए आपके लिए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पिछली दफा भी आपसे बहुत दाद ली थी शो का बता के कि शो कैसा हुआ, आज भी कोशिश करूँगा कि जब शो को वाइंड अप करें तो आपसे यही मोहब्बत भरी तालियां दें कि आपको शो पसंद आया, ये मेरी कोशिश होगी। दोस्तों, ये प्रोग्राम मियामी में जो हम जिन फनकारों के साथ ही मेगा स्टार शो कर रहे हैं, ये फनकार पूरे पाकिस्तान की जान है और अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। हमें यहाँ के शो में अंदाज़ा है, मुझे मियामी का, मैं 5-6 मरतबा यहाँ परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। आप बड़े मोहब्बत और प्यार वाले लोग हैं, जितने खुलूस मोहब्बत से आप तशरीफ लाए हैं, यकीन कीजिए इतनी मोहब्बत और प्यार से हम लोग भी हाजिर हुए हैं। और पाकिस्तान से आने में दिक्कत होना मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारा आना ऐसे ही है कि तेरा आना दिल के अरमानों का मिट जाना, हमारा आना ऐसे ही आना है, क्योंकि वहाँ से हमारा आना कोई पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी में कुछ करता है उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। अच्छा बेटा, तेरे घर चलना फिर। जल्दी है सुबह, सैटरडे है ना। देखो मैंने कहा भाई गुस्से नहीं होना, कह के गुस्से नहीं होना, ये सब लोग गवाह है। मैंने पहले एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, आप मेरे भाई, आपका शौक है और मेरा पेशा है, मैंने तो अपनी इज्जत बचानी है। आज जुड़े हुए आप मेरे भाई है, मैंने अपनी इज्जत बचानी है, मैंने फेल नहीं होना, इसलिए जो आप कहेंगे मैं रिबाउंड करूंगा। इसलिए आप बेहतर यही है कि आप अच्छे कपड़े पहनते, आगे का टिकट लेते ताकि मैं आपको देख लेता। मेरी नजरें इतनी दूर तक आपका दीदार नहीं कर पा रही है, इनके दीदार को मुझे याद आया, पिछली दफा हज पे इसकी वजह से झगड़ा हो गया, दुनिया हज पे गई, लोगों ने शैतान को कंकरियां मारी, इसका नंबर आया, ये कंकरी मारने लगा, शैतान की आंखों में आंसू आ गए कि तुम तो अपने आदमी हो, मशहूर आदमी है। मैं चाहता हूँ शो आगे बढ़ा ले, फिर इंशाल्लाह बहस करेंगे, बहुत बहस करेंगे। आपको भाई हमारे हम आपके लिए आए, मुझे मालूम है, मुझे देख के ना अच्छे से अच्छा शरीफ आदमी छिछोरा हो जाता है।
उसकी कोशिश होती है कि इस आदमी को किसी तरह छेड़ो, और छेड़ेंगे तो कोई निकलेगा। आप बड़े छेड़े मुझे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो आप लोगों से प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी आपकी दम से है। अगर आप मुझे ना देखें, मैं कुछ भी नथिंग, तो आप हैं तो मैं हूँ, पहले आप रहें, फिर अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपको दे। मैं भी आपको छेड़ूंगा, वक्त मिलेगा बीच में मैं करूँगा, छू शुरू हो जाना, ऐसी बात नहीं, आप मुझे चढ़ना पूछो। दोस्तों आज के शो में हम अपने एक तरतीब बनाई है फनकारों के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको बेहतरीन तफरी जो है आज के शो में फराहम की जाए, हमारी बेहतरीन कोशिश होगी। म्यूजिक आर्टिस्ट जिसको आपने भी सुना, ये सारे दोस्त पहले भी तारुफ करा चुका हूं, ये जो इतने ऊंचे स्टूल पे बैठे हुए हैं, हालांकि इनको स्टूल सूट नहीं करता है, लेकिन ये बैठ गए हैं, ये इस पूरे ग्रुप को लीड करते हैं, और ये जो साज है बड़ा हसीन साज है, बड़ा खूबसूरत सा नाम है इनका, शुएब, खालिद शुएब। मोहब्बत की चीज नाम है इनका नासिर शुएब। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरे बोरची खाने के पीछे पूरी आमना बैठी, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी रखी है इसने, मौलाद के जोर वाले, ये दाढ़ी का यहाँ फंक्शन है, यह बहुत फैशन है यहाँ पे, और ये हर आदमी ने यहाँ पे ये दाढ़ी रखी है, ये फ्री रख सकते हैं आप, इसका कोई टैक्स नहीं है। नाम है इनका नदीप शेर, ये हमारे दोस्त हैं, बहुत ही खूबसूरत साज है, बेस गिटार प्ले करते हैं, और बड़े हैंडसम में जरा खड़े हुए हैं आप, अभी जूतों में भी नए टायर डलवाए हुए, और आप देखे कितने हैंडसम हैं, आपने इनको देखा होगा फिल्म जुरासिक पार्क में, ऐसे ऐसे लोग निकल आते हारों में से तलवारे में, पीछे छुटिया है आगे मूछे हैं, जो इनके पीछे आ रहा है वो भी इंजॉय करता है, जो सामने से आ रहे हैं वो भी इंजॉय। नाम है इनका आसिम शुएब। दोस्तों ये तो मेरे ग्रुप का तारुफ मैंने आपसे कराया, म्यूजिकल ग्रुप का, और ये सारे के सारे जो हैं डॉक्टर शेर साहब के बेटे हैं, मैं भूल गया, इनके वाले सब डॉक्टर हैं, गाड़ियां ठीक करते हैं, डॉक्टर उनका वैसे शौके बन गए हैं, पेशा जो है वो गाड़ियों का। दोस्तों अब आइए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, थोड़ी सारी आपसे बातें करने को बड़ा दिल करते हैं, इंशाल्लाह बीच बीच के अंदर आपके सामने अपने खदमात पेश करता रहूँगा। यहाँ जो शो के जैसे भी मैंने आपको बताया कि अमेरिका आना और अमेरिका में आके रहना, अमेरिका मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने इस मुल्क को बहुत पसंद किया है, मुझे कुछ बातें यहाँ की बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ हमें और हमारे में अगर हम देखेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका में कौन सा अच्छा मुल्क है, तो मैं समझूँगा दो तीन बातों में अमेरिका बहुत आगे है, जैसे कि यहाँ पे शादियों का जो सिस्टम है उसको मैंने बहुत पसंद किया है, तरक्की याफ्ता लोग हैं, इनके बच्चे शादी से पहले हो जाते हैं हमारे शादी के बाद, और बच्चे शादी से पहले हो जाए तो चलो किसी काम आते हैं, माँ बाप की शादी होती है बीच में काम कर रहे हैं, कुर्सियाँ लगा रहे हैं, तंबू, हमारे बच्चे बाद में होते किसी काम ही नहीं आते, बड़े होते हैं और कब्रिस्तान छोड़ आते हैं।